इस वक्त की खबर रीवा से है, जहां एमपीआरडीसी के द्वारा रीवा से सहडोल सड़क मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। उपनिर्माण का लगभग 3 माह से जारी है। रीवा सहडोल के बीच में कई पुल और कई जगह सड़कों का निर्माण भी हो चुका है, लेकिन वाहवाही लेने के लिए नेता कहां पीछे रहने वाले हैं। नारियल फोड़ने की आदत डाल चुके नेताओं को जब मौका नहीं मिला तो मीडिया में बने रहने के लिए 3 माह बाद फिजूल खर्ची करते हुए भूमि पूजन कर दिया गया। अब नेताओं को कौन बताए कि भूमि पूजन निर्माण शुरू होने के पहले दिन होता है या बीच में। नेताओं की चले तो भूमि पूजन और लोकार्पण एक साथ कर दें। वैसे आपको बता दें कि विकास यात्रा के दौरान ऐसा हुआ भी है कि मंच पर भूमि पूजन और लोकार्पण एक साथ हुए हैं। दरअसल मामला रीवा से सहडोल तक बन रही 300 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का है। शनिवार को गुड़चौक में भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक नागेंद्र सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें, उक्त सड़क रीवा सहडोल संभाग के कई जिलों से होकर गुजर रही है, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए रीवा और गुड़ विधायक भूमि पूजन कर श्रेय ले रहे हैं। हो सकता है कि सतना, सीधी, सहडोल के भी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में उक्त मार्ग का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हों। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं उक्त सड़क का आधा निर्माण होने के बाद भूमि पूजन करने पहुंचे विधायक राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय प्रहलाद सिंह जी की प्रतिमा पर भी के शिखर पुरुष आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की कमी थोड़ी खटक रही है, जोरदार तालियों से इस पट्टिका के अना पर आमंत्रित हैं। मंच पर हम और भी कुछ विशिष्ट जनों की उपस्थिति अपेक्षित कर रहे हैं। एम सर का भी मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। इसका उल्लेख पूरे संसद के गलियारे में रहा है कि आज की तारीख में अमेरिका से ज़्यादा सड़कें भारत में बन रही और अमेरिका से ज़्यादा लंबाई की सड़कें भारत में बन चुकी हैं। ये आज भारत की स्थिति सड़कों के मामले में, और सड़कों में ही नहीं, आज हिंदुस्तान में कि जो गति है विकास की, आप आश्चर्य करेंगे सुन के, विश्वास नहीं होता, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो यही कहना है कि दुनिया में सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो भारत, और उसके तुलना में IMF का कहना है, जिसके पैसे से पूरी दुनिया चलती है, जिसके पैसे के लिए पाकिस्तान कटोरा लिए घूम रहा है, उस संस्था की रिपोर्ट है कि भारत की विकास दर 6.8%, चीन की 3.5%, रूस 2.1%, यूरोपीय यूनियन 1.6%, ब्राज़ील जो अपने को हमारे समकक्ष कहता था 1.5%, दक्षिण अफ्रीका 1.3%, अमेरिका 1%, इंग्लैंड 0.9% और जापान 0.9%। ये है भारत की प्रगति, ये भारत की स्पीड। 7% के लगभग हमारी विकास दर पहुंच रही, ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत की कोई एजेंसी नहीं कह रही है, नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं, ना संसद सदस्य जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं, ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके कर्जे पर, जिसके पैसे पर पूरी दुनिया का विकास हो रहा है, उसका ये दावा है। और उसी से संबद्ध जो संस्थाएं हैं, जो रेटिंग तय करती हैं भारत के, दुनिया के नेताओं का, उसमें अभी 3-4 दिन पहले फिर से रेटिंग आई है, उसमें 73% लोगों ने माना है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी नेता। और रीवा संसदीय क्षेत्र के, हाँ, ये रीवा शहर गुड़ चौराहे से लेके और बिछिया पुल होते हुए गोविंदगढ़ भगवार से लेके और शहडोल तक की ये सड़क का भूमि पूजन, खास तौर से रीवा जिले के पोर्शन जो इससे लाभान्वित हो रहा है, उसमें गुड़ क्षेत्र और रीवा क्षेत्र की सड़कें हैं, तो इसलिए आज इसका विधिवत भूमि पूजन हुआ है और तेजी से इसका काम शुरू होगा। GI टैग भी मिला है सुंदर जी को, ट्वीट भी, हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए लंबे समय से लिखा पढ़ी की जा रही थी, तो गोविंदगढ़ के सुंदरजा आम को GI टैग मिलने से अब इसको एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी और इससे हमारी यहाँ जो
व्यापार से जुड़े लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। नई टनल कब तक शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है कि अभी एक दो वर्ष लगेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे पूछा गया कि अमेरिका इतना प्रगतिशील और इतना धनी कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं अमेरिका की, इसलिए अमेरिका ने इतनी प्रगति की है। इसलिए अमेरिका धनी नहीं है कि उसको और कहीं से धन आया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सड़कें अच्छी हुई, आवागमन के साधन बढ़े, लोग बागों ने पूरी दुनिया से आके यहाँ बिजनेस शुरू किया, और इसलिए अमेरिका इतना धनाढ्य और उन्नतशील हुआ। जिस आज इस सड़क का भूमि पूजन हो रहा है, उसके विषय की भी एक कहानी है हम लोगों के पास, और अभी तो सड़क चलने लायक है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार का कितना बड़ा सोच है, और जिसमें हमारे सांसद जी माननीय राजेंद्र जी की अहम भूमिका है कि इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है, चौड़ाई बढ़ाकर इसको टू लेन किया जा रहा है ना फुल। क्यों पटेल जी, अच्छा आपका नाम लेना भूल गया था सॉरी। तो हुआ ये था कि एक समय तत्कालीन अखबार था, 2003 के पहले की बात है, इंडिया का एक नॉन अखबार था जनसत्ता, अब भी निकलता होगा और कम देखने को मिलता है, लेकिन उस समय इंडिया के प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबारों में से था। उसमें एक समाचार निकला था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ 2003 में जो हमारे साथ आदरणीय विधायक जी थे उनको भी याद होगा, ये बात का उल्लेख विधानसभा में मैंने किया था। उसमें एक समाचार निकला कि एक ट्रक आ रहा था शहडोल की तरफ से, और ये जो बघवार गांव है जहां से रोड जाएगी डेवलप होके, वहां पर एक आदमी रोड के बीच में खड़ा था, तो ट्रक वाले ने आके रोका कि भाई मरना है क्या तुम बीच में खड़े हो? तो कहा नहीं, मैं बीच में नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी गाड़ी बचा रहा हूँ, मेरी मारुति गड्ढे में है और मैं मारुति के छत पर खड़ा हूँ, इतना बड़ा गड्ढा है, तो मैंने सोचा कि आप यहाँ से ट्रक ले गुजरेंगे तो गाड़ी का पता ही लगेगा। ये समाचार में निकला था जनसत्ता में, इसको तत्कालीन जो उसके पहले के मुख्यमंत्री थे 2003 के, उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे, आज कांग्रेस के बड़े नेताओं में हैं सम्मानित, उस समय बैठे थे विधानसभा में, तब मैंने ये दिखाया था उनको कि ये आपके जमाने के हाल है। अब उस सड़क का आज भूमि पूजन करते हुए कितनी खुशी हो रही है कि वे टू लेन की सड़क बनेगी जो दो संभागों के हेडक्वार्टर को जोड़कर सभी उसमें अगल बगल रहने वाले तमाम गांवों कस्बों के लोगों को एक बड़ी सुविधा देगी, और इस तमाम अंचल में नए विकास के नए अध्याय शुरू होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी काम हुए हैं भारत में अद्वितीय काम हुए हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में पूरे नहरों सुरंगों का जाल बिछ गया है, और चाइना के बॉर्डर पर हम रोड बना रहे हैं, उसका बहुत सा हिस्सा राजेंद्र जी के और सांसद के प्रयत्न से रीवा को भी मिला है, और रीवा में भी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास चारों तरफ हो रहे हैं। अभी मैं कुछ दिनों से एक दो दिन पहले बाहर था, वहाँ व्यवस्था, और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान जी जैसा नेतृत्व तो प्राप्त हुआ, उसके बाद से प्रदेश समृद्धि की ओर आगे बढ़ने लगा। एवं उपस्थित समस्त महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। रीवा बिहारी शहडोल मार्ग राजमार्ग क्रमांक 57 की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। इस मार्ग का निर्माण कार्य 2003-2004 में किया गया था।
इस मार्ग में यातायात घनत्व अत्यधिक बढ़ जाने से एवं रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर रह जाने से मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस मार्ग को 2 लेन विथ कर्व शोल्डर के पुनर्निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। अतः इसी क्रम में रीवा बिहारी टेटका तक मार्ग की कुल लंबाई 90 किलोमीटर तक के मार्ग को EPC योजना अंतर्गत 2 लेन पेवर्ड शोल्डर का उन्नयन कार्य दिनांक 2/11/22 को अनुबंध संपादित किया गया है। APC ठेकेदार मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड गुरुग्राम को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा 7/12/2022 को अनुबंधानुसार हस्तांतरित किया गया है, जिसके उपरांत ठेकेदार द्वारा मार्ग निर्माण कार्य दिनांक 7/12/22 से प्रारंभ किया जाकर प्रगतिरत है। मार्ग निर्माण पूर्ण किए जाने की तिथि 6/12/2022 है 2024 है, जो कि निर्माण कार्य से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण की जाती है। मार्ग के अनुबंधानुसार निर्माण की कुल लागत लगभग 290 करोड़ रुपये है। उक्त मार्ग के निर्माण पश्चात रीवा जिले के लोगों को यातायात में काफ़ी सहूलियत होगी एवं रीवा से शहडोल होते हुए अमरकंटक व छत्तीसगढ़ राज्य मार्ग जाने का यातायात सुगम होगा। उक्त मार्ग 4 जिलों रीवा सीधी सतना एवं शहडोल से होकर गुजरता है। अतः मार्ग निर्माण पूर्व होने पर प्रत्यक्ष रूप से इन 4 जिलों